हेलो फ्रेंड्स, रेज टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ राइस और व्हीट मिल में। यहाँ पर मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे धान से चावल निकाले जाते हैं और कैसे गेहूं से आटा निकाला जाता है। ये सारा प्रोसीजर मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये सारा इसका पावर सर्किट बोर्ड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो धान से चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने धान को इस यहाँ पे डालेंगे। ये देखिए, ये जो आपको होल दिख रहा है, यहाँ पे हम अपने धान को डालेंगे और उसके बाद ये जो ऊपर में इसके लीवर है, इस लीवर को हम डाउन करेंगे तो हमारा धान जो है वो नीचे इसके अंदर जाता जाएगा। इसके अंदर में पूरी बेल्ट लगी हुई है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बेल्ट है ये मोटर के साथ ऊपर जाती रहेगी और सारा धान इस बेल्ट के थ्रू ऊपर जाता रहेगा। ये देखिए, जैसे ये सारा धान ऊपर जाएगा तो इसके दूसरी साइड में पाइप लगी हुई है। उसके बाद ये पाइप से धान पूरा ये फिल्टर में गिरेगा और इस फिल्टर के थ्रू, दो डबल फिल्टर हैं ये, तो इनके थ्रू जितना भी गंद होगा आपके धान में वो सारा नीचे गिर जाएगा। ये देखिए, सारा गंद अलग हो जाएगा और यहाँ से जो भी आपका धान है ये पास होता हुआ ये आगे दूसरी बेल्ट में आ जाएगा। ये देखिए, तो ये दूसरी बेल्ट भी सेम वैसे ही काम करती है। तो अभी इस बेल्ट के थ्रू ये छना हुआ धान ऊपर को जाएगा, ऊपर जाके फिर ये पाइप से आगे इस चक्की में गिरेगा जाके। ये देखिए, ये जो ड्रम लगा हुआ है इस ड्रम में गिरेगा और इस पहली वाली चक्की में सबसे पहले धान और छिलके को थोड़ा सा अलग किया जाएगा। और ये देखिए, इस वाली जो पहली वाली चक्की है इसमें धान और छिलका पूरा अलग नहीं होगा लेकिन थोड़ा अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इस रास्ते से आगे दूसरी बेल्ट में चला जाएगा। ये देखिए, इसी रास्ते से ये आगे एक और बेल्ट में जाएगा। इसमें भी बेल्ट लगी हुई है और वो भी वैसे ही सेम काम करती है। अभी इस बेल्ट से प्रोसेस्ड धान जो है वो ऊपर जाएगा और पाइप से फिर सेकंड वाले चक्की में जाएगा, सेकंड वाले ड्रम में जाएगा। अभी ये जो सेकंड वाला ड्रम है, जो चक्की है, यहाँ पे वेस्टेज को अलग किया जाएगा जिसको बुगदू बोलते हैं। ये देखिए, आगे ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो वेस्टेज है ये वेस्टेज इस बोरी में आएगा और जो धान है वो दूसरी साइड से आगे नेक्स्ट बेल्ट में चला जाएगा। ये देखिए, ये जो दूसरी साइड से यहाँ से जो धान है ये नेक्स्ट बेल्ट में चला जाएगा। लेकिन ये जो नेक्स्ट बेल्ट में जा रहा है धान, उसमें भी अभी थोड़ा वेस्टेज है, इसलिए थर्ड ड्रम भी लगा हुआ है। और ये जो इसका वेस्टेज है, ये ऐसे वेस्ट नहीं होता है, इससे आप रिफाइंड ऑयल भी निकलता है, इसमें से जो वेस्टेज है इसमें से रिफाइंड ऑयल भी निकलता है और ये बाकी इसका कुछ घोड़े वगैरह के लिए, गाय के लिए भी जाता है, वेस्टेज फीड के लिए यूज़ होता है। तो इसका भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी सेकेंड इनकम बन सकती है। तो इसके बाद ये देखिए, ये सेकेंड ड्रम से धान यहाँ से निकलेगा और आगे फिर से एक और बेल्ट में चला जाएगा। ये जो सेकंड ड्रम से निकला है धान, इसमें भी अभी वेस्टेज है जिसको हम बुगदू बोलते हैं, वो अभी इसमें है। इस बेल्ट के थ्रू ये फिर से ऊपर जाएगा और ऊपर से ये देखिए फिर से पाइप के थ्रू थर्ड चक्की, जो कि थर्ड ड्रम है, उसमें आएगा। अब ये जो थर्ड वाला ड्रम है ये फाइनल ड्रम है। अब इसमें से जितना ही वेस्टेज है सारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, जो भी बचा हुआ वेस्टेज होगा वो सारा इस वाले सामने से निकल जाएगा, इस वाली बोरी में। और जो राइस हैं वो यहाँ से निकल के अब आगे दूसरी बेल्ट में चले जाएंगे। ये देखिए, ये लास्ट बेल्ट है। इस बेल्ट से होते हुए फाइनल धान जो है वो आगे लास्ट वाले यहाँ पे फिल्टर में आ जाएगा। यहाँ पे आप कमाल की चीज़ एक देख सकते हैं कि यहाँ से जो फाइनल धान आ रहा है, अब नीचे में यहाँ पे तीन कंटेनर बने हुए, देखिए नीचे में यहाँ पे तीन मिलेंगे आपको, इन तीनों में अलग अलग जाएंगे। अब इसका क्या फंडा है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो सबसे पहले वाला है इसमें, ये देखिए, बिल्कुल साबुत दाना, जो साबुत ये चावल होंगे हमारे, राइस होंगे, वो आएंगे। सेकंड वाले में उससे थोड़े जो टूटे हुए हैं वो आएंगे और थर्ड वाले में जो सबसे लो क्वालिटी के होंगे वो आएंगे। तो यहाँ से हमें क्वालिटी वाइज हमारा धान जो है वो अलग अलग हो जाएगा। जो पूरा साबुत है वो अलग हो जाएगा, जो मीडियम वाला है वो अलग हो जाएगा और जो सबसे टूटा हुआ है वो अलग हो जाएगा। ये देखिए, तो दोस्तों अभी हमने देखा कि धान से चावल को कैसे अलग किया जाता है, धान से कैसे चावल निकाले जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि गेहूं से कैसे आटा निकाला जाता है, गेहूं से आटा कैसे बनाया जाता है। गेहूं से आटा बनाने के लिए हम गेहूं को सबसे पहले इस गड्ढे में, इस होल में डालेंगे और फिर राइस की तरह ही इसमें भी हम इसके लीवर को डाउन करेंगे तो ये बेल्ट से सारा गेहूँ ऊपर चला जाएगा। अभी पाइप से ये सारा गेहूं यहाँ फिल्टर के ऊपर गिरेगा और यहाँ से डबल ट्रिपल फिल्टरिंग होके जितना भी गंद होगा गेहूं में वो सारा गंद नीचे गिर जाएगा और गेहूं सारा यहाँ से आउट होके इस बेल्ट में चला जाएगा। ये देखिए, इसमें बेल्ट में जाके ये ऊपर चला जाएगा और फिर ऊपर से ये पाइप के थ्रू इन कोन्स में गिरेगा और ये कोन के थ्रू ये सीधे चक्की में जाएगा।
फिर चक्की में ये पिस के आटा निकल के बाहर आएगा। और यहाँ आटा भी हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो पूरा फिल्टर होके आएगा। ये देखिए आटे के लिए पूरी जाली लगी हुई है, इसके नीचे फिल्टर लगा हुआ है, और उसके बाद ये छन के पूरा लास्ट में हमें जाके आटा मिलेगा छनने के बाद में। तो ये देखिए इसकी क्वालिटी देखिए और इसकी प्योरिटी देखिए। तो दोस्तों ये ऐसे हम पूरा यहाँ पे पूरा राइस मिल है, ये यहाँ से धान से राइस निकाले जाते हैं और गेहूँ से आटा निकाला जाता है, या फिर आप किसी और ग्रेन से भी आटा निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।